आज हम लोग गेट 2020 का एक और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपको एक फील्ड दिया है विद एलिमेंट 4096 एलिमेंट्स, और पूछ रहा है कि इसके नंबर ऑफ सब फील्ड्स कितने होंगे। इनफैक्ट नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड्स पूछ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे ट्राई करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सब फील्ड्स किसी फील्ड के होते कितने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका फील्ड का ऑर्डर पी टू दी पावर एन है, जहाँ पे पी आपका प्राइम है, तो उसके जो सब फील्ड्स होते हैं वो टाउ एन होते हैं। ठीक है, अब टाउ एन कैसे निकालते हैं? अगर आपका सपोज कुछ एन है, उसको हम पी वन टू दी पावर एन वन, पी टू दी पावर एन टू, ऐसे पी टू दी पावर के, सॉरी पी के टू दी पावर एन के, जहाँ पे पी वन पी टू पी के जो है आपके डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो इसका जो टाउ एन निकलता है वो आपका ये जो प्राइम्स की पावर्स है इनमें प्लस वन करके इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एन वन प्लस वन इन टू एन टू प्लस वन, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो ये जो निकलेगा आपका, ये आपका टाउ एन निकलता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में फील्ड जो है इसका ऑर्डर दे रखा है 4096, तो सबसे पहले हम इसको प्राइम की पावर्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 to the power 12 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ सब फील्ड्स, जो कि आपका क्या देगा? टाउ 12। और अभी हमने फॉर्मूला देखा कि टाउ कैसे निकालते हैं, जो प्राइम्स की पावर होते हैं उसमें प्लस वन करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा एन है वो 12 है, तो 12 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 12 को प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारा 2 की पावर 2 into 3 आ गया, तो इसका जो टाउ एन निकलेगा वो 2 plus 1 into 3 to the power 1 है, तो 1 plus 1 और 6 निकल के आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके नंबर ऑफ सब फील्ड्स दे देगा, सारे सब फील्ड्स। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड्स। इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि इसके चलते बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं कि ठीक है, सब फील्ड्स पूछा है, नंबर ऑफ सब फील्ड्स निकाला, यहाँ पे फिल किया और काम खत्म। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे प्रॉपर पूछ रहा है। इसका मतलब इसमें हमें एफ जो है खुद भी तो खुद का सब फील्ड होता है, तो उसको हमें माइनस करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सब फील्ड 6 निकल के आए थे, और खुद को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर सब फील्ड्स बचेंगे वो कितने बच जाएंगे? 5। ठीक है,